हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा, जब ब्रेक लगाते हैं तो पेडल अपने आप अंदर चला जाता है। तो गाड़ी को वह स्टार्ट करके पेडल को चेक करते हैं कि पेडल की क्या पोजीशन है। स्टार्ट कर दिया है, अब पेडल पर दबाव दे रहे हैं, पेडल अभी ऊपर है, फिर धीरे धीरे कहता है कि नीचे चला जाएगा। ब्रेक पेडल बैठने की दिक्कत इसके ब्रेक मास्टर सिलेंडर से है। जब पेडल को दबाते हैं तो पेडल अपने आप ही नीचे चला जाता है और ब्रेक लगती नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ये टाटा 4.7 EX है CNG, और ये मास्टर सिलेंडर 4.7 टर्बो में भी आता है। तो आइए चलिए इस मास्टर सिलेंडर को खोलते हैं। ब्रेक ऑयल की डब्बी में ब्रेक ऑयल पूरा है, दिक्कत इसके मास्टर सिलेंडर के अंदर ही है। तो आइए चलिए इस मास्टर सिलेंडर को खोलते हैं। मास्टर सिलेंडर खोलने के लिए सबसे पहले इन तीनों पाइपों को खोल लेंगे। पाइप को खोलने के बाद इस पाइप के अंदर नट या कोई पाइप का ऐसा कुछ लगा देंगे ताकि ब्रेक ऑयल हमारा बाहर ना गिरे। इसी तरह के करके तीनों पाइपों को खोल के तीनों पाइपों में नट को लगा देंगे ताकि हमारा ब्रेक ऑयल नीचे ना गिरे। तीनों पाइपों को खोलने के बाद अब मास्टर सिलेंडर के इस 13 नंबर वाले नट को खोल के बाहर निकाल देंगे। दोनों बोल्ट खुल चुके हैं, अब इस मास्टर सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। मास्टर सिलेंडर के ऊपरी वाले पिस्टन पे लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को बाहर निकालेंगे। लॉक बाहर निकालने के बाद इस पिस्टन को भी बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन को चेक करें, इसका किट ज़्यादा नहीं फटा हुआ है। अब नीचे वाले पिस्टन को, जो आगे वाले ब्रेकों के लिए काम करता है पिस्टन, अब उस पिस्टन को निकाल के चेक करते हैं। उससे पहले इस 10 नंबर वाले बोल्ट खोलेंगे। ये दोनों पिस्टनों को अलग अलग रखता है, एक पिस्टन आगे वाले ब्रेक के लिए काम करता है, एक पिस्टन पीछे वाले ब्रेक के लिए। दस नंबर नट खोलने के बाद इस पिस्टन को बाहर निकालेंगे। पिस्टन को बाहर निकाल लिया है। पिस्टन के अगला वाला ये किट फटा हुआ है, इस किट के अंदर छेद हो चुका है, इसीलिए ब्रेक पैडल बैठने की शिकायत है। आगे वाले पिस्टन के इस रबड़ वाले किट के अंदर छेद हो चुका है, इस कारण इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे और पैडल बैठ रहा है। ये सिलेंडर हमारा बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा सिलेंडर के बोर के अंदर दिक्कत नहीं है। अब सारे सामान को धुलाई उलाई करके अब इसके अंदर किट डालने की बारी है। उससे पहले इस पुराने किट को बाहर निकाल के साइड में रख देंगे। इस पीछे वाले पिस्टन को इस पेचकस की मदद से बाहर खोल लेंगे। उसके बाद इसकी भी वाशर को निकाल के साइड में रख देंगे।
एक एक करके इन पिस्टनों से सारे वाशर को निकाल के साइड रख देंगे ताकि नए वाशरों से मिक्स ना हो पाए। दोस्तों ये सिलेंडर 7147 वाला है, इसके अंदर 7147 किट डलती है। इस किट के बॉक्स के अंदर ये ग्रीस और सारे वाशर, लॉक और सिम का पूरा पैकेट ही आता है। दोस्तों ये तीनों वाशर अलग अलग हैं, दो एक से हैं और एक अलग है। तो एक जो एक अलग है वाशर है, ये अगले वाले पिस्टन में लगेगी उल्टी साइड में, उल्टी दिशा में, पिस्टन की उल्टी दिशा में। उसके बाद ये सिम, उसके बाद दूसरी किट वाशर जो ये सीधी लगेगी अगले पिस्टन में, एक सीधा और एक उल्टा। उसके बाद स्प्रिंग। इस तरह दोस्तों हमारा ये अगला व्हील का पिस्टन तैयार हो गया, अगले ब्रेक वाला। अब दोस्तों ये पिछले वाला है, इसके ऊपर भी एक सिम, एक वाशर और किट को रोकने वाला ये वाशर, उसके बाद स्प्रिंग और नट को कस देंगे इसको। ये पिछले ब्रेक वाला पिस्टन है जो पिछले व्हीलों के लिए काम करता है। पेचकस की मदद से इस स्क्रू कस के अच्छी तरह कस दें ताकि खुलने का चांस ना हो उसमें। दोस्तों हमारा पिछला ही पिस्टन तैयार हो गया, और इसमें ग्रीस से ऑयलिंग करके अब इस पिस्टन को फिट करेंगे। सिलेंडर के अंदर पिस्टन को फिट करने के लिए पहले अगले पिस्टन को फिट करेंगे। ये हमारा अगला पिस्टन तैयार हो चुका है, सबसे पहले इसी को इसके अंदर फिट करेंगे। और ये 10 नंबर का नट और इसके अंदर क्विक वाशर को लगाएंगे, इस कॉपर के वाशर को। अभी अगला पिस्टन है, सबसे पहले इस अगले पिस्टन को सिलेंडर के अंदर इस प्रकार से डालेंगे और बिल्कुल लास्ट तक नीचे दबा के इस 10 नंबर वाले स्क्रू बोल्ट को इस सिलेंडर के अंदर कसेंगे। उसके बाद इस दूसरे पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट करेंगे। सिलेंडर फिट करने के बाद ये लोहे की वाशर सिलेंडर पिस्टन के ऊपर, उसके बाद ये रबड़ की वाशर, इस बड़े वाले किट को लगाने के बाद ऊपर से एक स्लिप को लगाएंगे। स्लिप को लगाने के बाद ऊपर से फाइनली लॉक। अब इसके बाद इस पिस्टन के लॉक को इस प्रकार से लगा देंगे। इस तरह से लॉक को लगाने के बाद हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर में किट डालने का काम पूरा हुआ। 10 नंबर वाले बोल्ट को अच्छे से कस देंगे। इस सिलेंडर के अंदर किट डल चुकी है। अब इसके अंदर ब्रेक ऑयल को डाल के इसी जगह में सिलेंडर से हवा निकालेंगे।
ब्रेक ऑयल को डालने के बाद इस पाइप के मुंह को बंद करके पिस्टन को प्रेस करके यही हवा निकालेंगे। हल्के हल्के तीनों पाइपों से ब्लेडिंग कर देंगे। ऐसा करने से सिलेंडर के अंदर से सारी हवा निकल जाएगी। इस तरह से हमारे सिलेंडर की हवा निकल चुकी है। अब इस सिलेंडर को वापस गाड़ी के अंदर फिट करते हैं। ब्रेक बूस्टर के अंदर मास्टर सिलेंडर को फंसा के बारी बारी से इन पाइपों को इस सिलेंडर के अंदर को अंदर फिट करेंगे। मास्टर सिलेंडर अब बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। ब्रेक और इंडिकेटर स्विच को की तार को भी इसमें फिट कर। अब गाड़ी को स्टार्ट करके सिलेंडर की हल्की हल्की ब्लीडिंग, इसकी हवा निकालना ही बोलते हैं, हल्की हल्की दबा के इस सिलेंडर से हवा को निकाल देंगे ताकि पेडल हमारा बिल्कुल ऊपर आ जाए, बिल्कुल बन जाए। इस तरह से मास्टर सिलेंडर से और हवा को निकाल देंगे। दबाओ, छोड़ो, दबाओ। इस तरह से दोस्तों ब्रेक मास्टर सिलेंडर की फिटिंग कंप्लीट हुई। अब पैडल को चेक करते हैं कि पैडल हमारा बैठता है कि नहीं। दोस्तों जितनी बार दबाओ पैडल बिल्कुल ही ऊपर है, अब बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा। अब हमारा ब्रेक पैडल बिल्कुल ठीक हो चुका है, ब्रेक भी ठीक हो चुका है। इस तरह से हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर काम पूरा हुआ।